दोस्तों अगर को मैं ये पूछूंगे दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल फोन के साइड बटन से क्या करते होंगे, तो आप लोग सिंपल ये बोलोगे साइड बटन से क्या होता है, हमारा मोबाइल फोन लॉक हो जाता है या फिर हम लोग जो है अपने मोबाइल फोन की वॉल्यूम को जो है पूरा फुल कर सकते हैं, फिर वॉल्यूम को पूरा बंद कर सकते हैं। इससे ज्यादा भाई मोबाइल फोन के साइड बटन से कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों आप एक तरीके से तो अपनी जगह पे सही हो, लेकिन दोस्तों आप लोग गलत भी हो, क्योंकि दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फोन के साइड बटन का एक ऐसा खुफिया राज बताऊंगा जिसको जान के दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल चौंक जाओगे। अब मैं मोबाइल फोन के कौन से साइड बटन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हो मेरे पास मोबाइल फोन है और यहाँ पे देखिए साइड बटन है, साइड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है मोबाइल फोन का मतलब कि लॉक खुल जाता है। फिर इस पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल फोन की वॉल्यूम जो है बढ़ती है, वॉल्यूम कम होती है। इस तरीके से ये जो है मेरे मोबाइल फोन का साइड बटन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इस साइड बटन में एक ऐसा खुफिया राज छुपा हुआ है दोस्तों जिसके बारे में आप लोग आज तक नहीं जानते। आप लोग सालों से मोबाइल फोन यूज कर रहे हो लेकिन उसका राज आप लोग आज तक नहीं जानते, जो कि इस वाली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं। तो कौन सा सीक्रेट खुफिया राज है, कौन सा सीक्रेट ट्रिक है, उसके लिए आप लोग ये पूरी वीडियो ध्यान से और लगातार वीडियो को जरूर देखेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उससे क्या काम होगा उनको बताता हूं। सबसे पहले लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन का नाम है कीनोट। तो इसको डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पे मिलेगा सेट वॉल्यूम की पैटर्न। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे अपने मोबाइल फोन में ऐप लॉक डाउनलोड किए होंगे, बहुत सारे लॉक एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल फोन के वॉल्यूम बटन पे काम करेगा। अब यहां पे आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड में आपको जस्ट वॉल्यूम अप मतलब कि वॉल्यूम के ऊपर वाला बटन पे हमने एक बार क्लिक किया, फिर नीचे वाले पे किया, फिर वापस जो है एक बार ऊपर वाला किया, फिर नीचे वाला किया। इस तरीके से ये जो है एक पैटर्न सेट हो चुका है, फिर लॉक सेट हो चुका है, उसको तो नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपको वापस से लगा देना है। आप लोग कैसा भी लगा सकते हो, दो बार ऊपर दो बार नीचे, कैसा भी आप लॉक सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करने के बाद कोई भी जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी मतलब सिक्योरिटी के लिए जो भी कुछ होता है वो आपको डाल देना है, जिस तरीके से मैंने डाल दिया। और उसके बाद आपका नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद जनरेट पे क्लिक करना है, आपको ओके करना है और यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको परमिशन आपको यहाँ पे दे देना है। मैंने देखो एक परमिशन यहाँ पे दे दिया, फिर दूसरे वाले पे क्लिक किया, दूसरा परमिशन भी इस एप्लीकेशन को मैंने दे दिया और फिनिश के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल नॉर्मल टाइप का एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको अगर नॉर्मल बंदा ओपन करेगा तो ओनली नोट्स ओपन होगा, ये देखो नोट्स ओपन हो रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जो बंदा है एक बार वॉल्यूम ऊपर डाउन उस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली जो है इस तरीके से ऐप लॉक ओपन हो जाएगा। और ये एक तरीके का दोस्तों ऐप लॉक है जो कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग जो है कुछ भी लॉक कर सकते हो। सबसे पहले ऐप लॉक ऊपर ऑन कर देना है, उसको जब आप व्हाट्सएप वगैरह किसी पे भी जो है लॉक लगा सकते हो, जिस तरीके से व्हाट्सएप है मैंने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक किया और ये ब्लैक पे क्लिक कर दिया, इसको लॉक लगा दिया। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे कोई पर्सन जो है मेरा व्हाट्सएप ओपन करेगा, ये पे देखो व्हाट्सएप ओपन करेगा, ऑटोमेटिकली एक बार तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से व्हाट्सएप ओपन करेगा, पहली बार तो ओपन हो जाता है आप यूज करोगे इसलिए, दूसरी बार इस तरीके से ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, फिर आपको अपना जो लॉक है ना जिस तरीके से लॉक होता है वैसे लगाओगे, ऑटोमेटिकली जो है आपका व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दोस्तों अब जो है मैं व्हाट्सएप ओपन नहीं कर सकता, जितनी बार मैं व्हाट्सएप ओपन करूंगा ब्लैंक स्क्रीन आएगी, कोई भी बंदा सोचेगा पता नहीं इसका व्हाट्सएप हैंग हो गया खराब हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग वॉल्यूम अप वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करोगे ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सएप जो है पे ओपन हो जाएगा। तो कितना अमेजिंग और कितना ऑसम दोस्तों एक लॉक है जो कि आपके मोबाइल फोन की वॉल्यूम बटन पे काम करेगा, जो कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, जो कि इस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फैला देना वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।